अगर आप भी PPF अकाउंट में पैसा जमा कर रहे हैं तो आपको इससे सेविंग के साथ साथ कई फायदे मिलते हैं। PPF अकाउंट में पैसा जमा करने से आपको न सिर्फ इंश्योरेंस टैक्स में छूटी नहीं बल्कि लोन की सुविधा भी मिलती है। जी हाँ, आप अपने PPF अकाउंट से लोन भी ले सकते हैं। ऐसे में जानते हैं इसके क्या नियम हैं और किस तरह से ये लोन लिया जा सकता है। PPF में जमा होने वाले पैसों पर मिलने वाले लोन को PPF लोन कहा जाता है। इस लोन में आपको किसी भी तरह के संपत्ति के कागज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। आपको अपने PPF अकाउंट में जमा राशि के आधार पर लोन मिल जाता है। इसका मतलब है कि आप जरूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए PPF खाते से पैसे निकाल लेते हैं और फिर से जमा कर देते हैं। अगर आप भी ये लोन लेना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कितने रुपए तक का लोन लिया जा सकता है। कितने रुपए तक का लोन मिलता है PPF अकाउंट के लोन में? आपको PPF में जमा राशि के आधार पर ही लोन मिलता है। PPF खाता खुलने के 2 साल बाद ही इससे लोन लिया जा सकता है। अगर आप 1 साल से ही पैसे जमा कर रहे हैं तो आप लोन नहीं ले सकते। आप तीसरे साल में 2 साल में जमा राशि का 25% ही लोन ले सकते हैं। अगर आपके खाते में 1,00,000 रुपए जमा है तो आप सिर्फ 25,000 रुपए तक का ही लोन ले सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे आपके PPF अकाउंट को वक्त हो जाएगा आप ज्यादा लोन भी ले सकते हैं। पहले PPF पर लोन लेने के लिए खाताधारक को 2% ब्याज चुकानी पड़ती थी, लेकिन सरकार ने 2020 के लिए इसे घटाकर 1% कर दिया है। हालांकि जितने दिन आप ये लोन लेते हैं उतने दिन आपको PPF अकाउंट पर सरकार की ओर से मिलने वाला ब्याज नहीं मिलता है। क्या है नियम और शर्तें? जब आप लोन लेते हैं तो आपके PPF में जमा कुल राशि को आधार नहीं माना जाता है। जितने पैसे आपने आखिरी मार्च तक जमा किए होंगे उन्हें ही आधार माना जाएगा। मान लीजिए आप फरवरी 2021 में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके फरवरी तक जमा पैसों को आधार नहीं माना जाएगा। ऐसे में आपके मार्च 2020 तक जमा पैसों को ही आधार माना जाएगा और उसके आधार पर ही लोन अमाउंट डिसाइड होगा। इसके अलावा आपको टैक्स में मिलने वाली छूट नहीं मिल पाएगी और आप ये लोन साल में सिर्फ एक ही बार ले सकते हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म डी की आवश्यकता होगी। आप अपने बैंक से इसे ले सकते हैं या बैंक की वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद ये आपको अपने बैंक में जमा करवाना होता है, जिसके बाद लोन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर, टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर, जी हिंदुस्तान, डाउनलोड करें और बाखबर रहें।